हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं तृप्ति और आज मैं आपके साथ बहुत ही हेल्दी इवनिंग स्नैक रेसिपी शेयर करने वाली हूं, जिसमें कि मैं डाल रही हूं काजू, किशमिश, सनफ्लावर सीड्स, पम्पकिन सीड्स, काजू और फ्लैक्स सीड्स यानी अलसी। इन सब चीज़ों से मैं ये इवनिंग स्नैक बनाने वाली हूं और बिना किसी घी तेल के मैं इसको बनाऊंगी। तो देर न करते हुए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई में आधा कटोरी नमक ले लिया है और गैस को ऑन कर दिया है। उसमें थोड़ा सा जब नमक गर्म हो जाएगा, सबसे पहले हम अलसी को भूनेंगे। आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। अगर आपके पास वाइट तिल हो तो वाइट तिल का भी यूज़ कर सकते हैं। अभी मेरे पास वाइट तिल नहीं है तो इसलिए मैं वाइट तिल यूज़ नहीं कर रही हूँ। और अगर आपके पास खरबूजे की गिरी हैं, तरबूज की गिरियाँ हैं, तो आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत हेल्दी होती हैं। तो अब थोड़ा सा नमक गरम हो गया है। अब सबसे पहले मैं इसमें अलसी डाल रही हूँ। अलसी को आपको 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर भूनना है। आप टाइम का विशेष ध्यान रखिएगा, नहीं तो जला हुआ टेस्ट आता है अलसी का, जो कि अच्छा नहीं लगता है। ये देखिए, अलसी का कलर चेंज होने लगा है और अलसी चटकने भी लगी है, तो इसका मतलब अलसी तैयार है। अब इसमें मैं डालूँगी बादाम को भी हम 1-2 मिनट के लिए इसमें भून लेंगे। ये देखिए, बादाम भी भून गए हैं। अब इसमें मैं डाल देती हूँ ये पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स और काजू। किशमिश को हम सबसे लास्ट में, जब ये ठंडा हो जाएगा, उसके बाद मिक्स करेंगे। इन सब सीड्स को, नट्स को हम 1 से 2 मिनट तक रोस्ट करेंगे, भून लेंगे। उसके बाद गैस बंद करके इनको ठंडा करेंगे और इनको फिर हम नमक को छान लेंगे। उसके बाद ठंडा होने के बाद इसके अंदर हम किशमिश मिलाएंगे। याद रखिए कि आपको फ्लेम को लो फ्लेम पे ही रखना है, नहीं तो सारे जो सीड्स हैं, नट्स हैं, वो जल जाते हैं, उनका जला हुआ टेस्ट आता है, अच्छे से भुनते नहीं हैं, करारा टेस्ट नहीं आता है। तो आप फ्लेम को लो पे ही रखिएगा। निकाल देंगे, छान लेंगे इस तरह से, छन्नी से सारा नमक छान देना है, निकाल देना है। देखिए, आपका क्रिस्पी और हेल्दी स्नैक तैयार है। अब इसमें मैंने ये थोड़ा सा ठंडा होने के बाद किशमिश मिला दी है। अगर आपके पास ब्लैक रेजन्स हैं तो आप ब्लैक रेजन्स भी मिला सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं, उसमें आयरन बहुत ज़्यादा होता है। अभी मेरे पास नहीं है इसलिए मैंने ये ग्रीन रेजन्स इसमें मिलाई है। थोड़ा सा स्वीट इसमें टेस्ट देने के लिए मैंने मिलाया है। अगर आपको स्वीट टेस्ट नहीं पसंद है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। तो ये आपकी रेसिपी रेडी है, आप इसको इंजॉय कीजिए। और बहुत ही हेल्दी है, वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा है। आपको जब भी थोड़ी बहुत भूख लगे, आपको शाम को जो 4 बजे की भूख लगती है, आप उसमें एक हैंडफुल आप ले सकते हैं, मुट्ठी भर आप खा सकते हैं इनको। इसमें बिल्कुल भी मैंने घी नहीं डाला है, तो इस बिल्कुल भी आपको नुकसान नहीं करेंगे। और आजकल जैसे सर्दियों का टाइम है, तो सर्दियों के टाइम में तो बहुत ही अच्छे रहते हैं। तो बनाइए, खाइए और बच्चों के लिए भी बहुत हेल्दी हैं। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।